अस्सलाम वालेकुम। अब हमारी कटिंग की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने ज़रूरी है कि हमारा मीटर, गज और एक इंच और सूत क्या होता है। ठीक है, तो ये देखें, ये जो आपको लाइन दिख रही है पूरी एक लंबी, ठीक है, यहाँ से जो एक लाइन छोटी आ रही है ना, इसको सूत कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी वीडियो में बताते हैं एक सूत या दो सूत या तीन सूत, तो सूत बहुत से लोगों को नहीं पता होता सूत होता क्या है। तो ये लंबी लाइन जो जा रही है, इसके बराबर में जो एक छोटी लाइन है, ये तो एक इंच आ जाता है। ठीक है, ये पूरा एक इंच है और ये छोटी लाइन है, ये सूत कहलाता है। ठीक है, ये एक सूत हो गया, इसके बराबर वाला दो सूत हो गया, ये तीन सूत हो गया, ये आधा इंच हो गया। ठीक है, ये एक एक इंच के जो सेंटर में बड़ी लाइन है, ये आधा इंच है, ये सूत ये लाइनें कहलाती हैं। ठीक है, और ये पूरा एक इंच कहलाता है। और इसमें जो है ना, मीटर और गज क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कपड़ा खोल के। अब ये देखें, ये 36 इंच का हमारा गज कहलाता है। ठीक है, बहुत से लोगों को सिर्फ मीटर का पता होता है, गज का नहीं पता होता गज हमारा कितना होता है, कितना इंच आता है। ठीक है, तो 36 इंच का जो हमारा गज आता है, बहुत से लोग कपड़ा जो है ना देते हैं, तो कुछ लोग देते हैं गज के हिसाब से, कुछ लोग देते हैं मीटर के हिसाब से। ठीक है, बहुत सी जगहों पर मीटर के हिसाब से कपड़ा मिलता है, बहुत सी जगहों पर गज के हिसाब से कपड़ा मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए मीटर कितना होता है और गज कितना होता है, ताकि आप उसी हिसाब से जो है ना कपड़ा परचेज कर सकें। तो ये 36 इंच का हमारा गज है। ठीक है, और ये जो 39 इंच है, 3 इंच बड़ा होता है मीटर, मीटर जो होता है वो 3 इंच बड़ा होता है। अगर आप कहीं कपड़ा लेने जा रहे हैं, आपको जो है ना, जिसे मैंने आपको गज के हिसाब से बताया अपनी वीडियो में, तो आप गज के हिसाब से उसे बोलेंगे, तो वो बोलेगा गज के हिसाब से नहीं, मैं मीटर के हिसाब से देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए मीटर के हिसाब से, फिर मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा कम कपड़ा लेना है, क्योंकि ये 3 इंच मीटर बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका हिसाब आपको लगा के फिर उसे कपड़ा लेना होगा कि मुझे इतना कपड़ा चाहिए और इतना कपड़ा मेरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 36 इंच हमारा एक गज होता है 36 इंच, और 39 इंच एक मीटर होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आप जो है ना, आप मीटर के हिसाब से बताया करें, गज के हिसाब से नहीं बताया करें। तो ज़्यादातर लोगों को जो है ना मीटर का पता होता है, गज का पता नहीं होता। ठीक है, और आजकल ज़्यादातर कपड़ा जो मिलता है वो गज के हिसाब से मिलता है, मीटर के हिसाब से बहुत कम कपड़ा मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, हमारा इसका सूत क्या है, इंच क्या है और मीटर क्या है, गज क्या है। और ये इंची टेप की दूसरी साइड देखें, ये हमारे सेंटीमीटर कहलाते हैं। ठीक है, ये इस साइड पे लिखा हुआ भी है, ये देखें, ये सेंटीमीटर हमारे पाकिस्तान में यूज़ नहीं होते, हमारे पाकिस्तान में ऊपर वाले इंच और सूत का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हमारे वेस्टर्न पीस में यूज़ होता है, जो हमारे बाहर ममालिक में बनते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम यहाँ से इसे ऊपर वाले जो इंच होते हैं, सूद होते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमारा इंच, सूद और गज मीटर क्या होता है। इंच से मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कटिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।